अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मेरे लेटेस्ट और न्यू वीडियोस देखने हैं तो प्रेस बेल आइकन। ज़ेनफोन 6 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने अपने इस स्मार्टफोन को स्पेन में एक इवेंट के दौरान लॉन्च किया। ये कंपनी के पिछले ज़ेनफोन 5Z का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ज़ेनफोन 6 कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसमें रोटेटिंग कैमरा दिया गया है। कंपनी ने बेजल्स कम करने और ऑल स्क्रीन फ्रंट पैनल बनाने के लिए फ्लिप कैमरा को इसमें पेश किया है। इस फोन में डुअल कैमरा सेटअप है और ये रोटेट होकर सेल्फी के भी काम आता है। इसी तरह का स्मार्टफोन पिछले महीने सैमसंग ने भी पेश किया था। Asus ZenFone 6 को 6GB/64GB, 6GB/128GB और 8GB/256GB वेरिएंट में पेश किया गया है। इनकी कीमत लगभग 39,100 रुपये, लगभग 43,800 रुपये और लगभग 47,000 रुपये रखी गई है। फिलहाल ये जानकारी नहीं दी गई है कि इसे भारत में कब लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने जानकारी दी है कि ये स्मार्टफोन मिडनाइट ब्लैक और ट्विलाइट सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। Asus ZenFone 6 के स्पेसिफिकेशंस: ड्यूअल सिम नैनो स्पोर्ट वाला ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड पाई बेस्ड Zen UI 6 पर चलता है और इसमें एंड्रॉइड क्यू और एंड्रॉइड आर का भी सपोर्ट मिलेगा। इस फोन में 6.4 इंच फुल HD 1080x2340 पिक्सल IPS स्क्रीन दी गई है। इसमें 8GB रैम और एड्रेनो 640 GPU के साथ ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, डुअल लेड फ्लैश और 13 मेगापिक्सल सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। Asus ने इस स्मार्टफोन में क्विक चार्ज 4.0 स्पोर्ट के साथ इसमें 5000 mAh की बैटरी दी है। साथ ही इसमें डुअल स्पीकर्स भी दिए गए हैं। यहां 3.5mm ऑडियो जैक भी ग्राहकों को मिलेगा। इसकी इंटरनल मेमोरी 256GB UFS 2.1 की है, जिसे कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए यहां USB Type-C, NFC, Wi-Fi 802.11 ACK, WiFi 5, Bluetooth 5.0 और GPS का सपोर्ट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि Asus अपना यह फ्लैगशिप फोन भारत में कब लॉन्च करेगा और कौन से खास फीचर देखने को मिलेंगी, यह सब हमें आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा।